अमेरिका के नेवादा में 28 मई से 7 अक्टूबर 1957 तक अमेरिकी सेना ने 29 न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग की। ऑपरेशन का नाम था प्लम बॉम्ब। इनमें से दो टेस्टिंग जमीन के अंदर की गई ताकि उसका असर देखा जा सके। बात है 26 जुलाई की, जब पास्कल ए बम को जमीन 500 फीट नीचे दबाया गया। उसके गड्ढे को 4 इंच मोटी लोहे की चादर से ढका गया, लेकिन विस्फोट इतना तगड़ा था कि वो लोहे का ढक्कन थर्मल लाइन को पार कर गया था। पास्कल बी बम के विस्फोट में भी ऐसा ही हुआ था। उसका कवर 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आसमान में गया था।